हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, MBBS अब्रॉड 2022 में अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, इसको सुन ले और ये पढ़ ले। हाउ एजुकेशन एजेंट्स मिसलीड मेडिकल स्टूडेंट एंड कवाट एजेंसी एफोर्ट टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग अब्रॉड। देखिए कैसे एजेंट जो है मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि MNC गैजेट के बाद और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद अब्रॉड से MBBS करना आसान नहीं रहा है। और लाइसेंस वाला जो टर्म्स है, मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक कोई देश, कोई यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, नोट करें, वो जब तक कोई देश लिख के नहीं दे कि वो लाइसेंस देगा, आपको रजिस्टर्ड करेगा, तब तक आपको उस देश में MBBS करने नहीं जाना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आउटलुक भी बोल रहे हैं, रसिया में बहुत सारे एजेंट आपको रसिया ले जा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं और बोल रहे हैं आप इतना इजी है रजिस्टर्ड हो जाना। तो उस पर ये अखबार जो आउटलुक में छापा है वो मैं दिखा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो भी साफ साफ ये था, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का शैडो ओवर इंडियन MBBS स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड एडमिशन। देखिए ये इसमें भी साफ साफ ये कहा था, इसमें देखिए द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेशन 2021 विच आउटलाइन सम स्ट्रिंजेंट नॉर्म दैट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर इंडियन स्टूडेंट टू प्रैक्टिस बैक होम आफ्टर कम्प्लीटिंग देयर MBBS कोर्स इन फॉरेन कंट्री। फॉर इंस्टेंस द रेगुलेशन से द फॉरेन ग्रेजुएट कैन प्रैक्टिस इन इंडिया ओनली इफ दे आर रजिस्टर्ड विद द प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द कंट्री। अगर आप उस देश के, जिस देश में करना चाहते हैं, किर्गिस्तान हो, रसिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाइना हो, जिस भी कंट्री में करना चाहते हैं, क्या वहाँ पे सरकार रजिस्टर्ड कराएगी आपको और आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस आपको अलाउ है? क्योंकि बहुत सारे देश हैं, जैसे बांग्लादेश आपको रजिस्टर्ड तो करती है लेकिन साफ साफ रखती है प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड, तो झांसे में नहीं आना। यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि प्रैक्टिस भी उस देश में अलाउ होना चाहिए। ये जो एक पॉइंट था वो बहुत ही बड़ी पॉइंट है, छोटी मोटी पॉइंट नहीं है। जब आप इंडिया में किसी दूसरे देश के बच्चे जो स्टूडेंट है उनको आप अलाउ नहीं करते, तो क्या दूसरा देश आपके इंडियन स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने का अलाउ कर सकता है? अगर करता है, अगर कोई एजेंट या कोई सुन रहा है तो रिटेन में प्रूफ दे, हो सकता है, मुझे मालूम नहीं हो, तो मैं बोलता हूँ उनको रिटर्न में, क्योंकि मैं अब तक जितने भी है, जितने सिर्फ सुने सुने बातों पे मैं भरोसा नहीं करता, मुझे किसी कंट्री का रिटर्न में प्रूफ चाहिए और मैं इस पे वर्क भी कर रहा हूँ, जो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, अभी तक मैं किसी भी देश को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए कैसे एजेंट जो है मिसगाइड कर रहे हैं और रसिया में एडमिशन करा रहे हैं। ये देखिए, ये आउटलुक में छापा है, NMC स्ट्रिंजेंट नॉर्म दैट सीम्स टू हैव लिटिल इंपैक्ट बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड पेरेंट आइदर अनअवेयर ऑफ इट बीइंग मिसलीड बाय द काउंसलर एंड कोऑर्डिनेटर्स कंसलटेंट हु आर वर्किंग इन अ कोलैबोरेशन विद द कॉलेज अब्रॉड आर परसुएडिंग स्टूडेंट एंड पेरेंट दे कैन गेट ऑल लॉन्स फुलफिल्ड विच इज मिसलीडिंग क्लेम। ये बोला जा रहा है कि रसिया में जो यूनिवर्सिटी है वो सारे जो NMC गैजेट का जो रूल है उसको फुलफिल कर रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? एजेंट और काउंसलर। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये देखिए आप, इसमें एक और लाइन दिया है, देखिए ये साफ साफ बोला, अनदर काउंसलर हु वर्क्स विद द मल्टीपल CIs कंट्री विच एजेंट आर इंटरप्रेटिंग NMC नॉर्म्स। क्या इंटरप्रेटिंग? आपको चीजें को घुमा फिरा के बता रहे हैं ये, such way that candidate can made to believe that there is no risk to going abroad। ये वैसे बता रहे हैं कि आप कोई रिस्क नहीं है अब्रॉड जाने में, आपका रजिस्टर हो जाएगा, प्रैक्टिस अलाउ है, क्या ये सब सही है? नहीं। आप देखिए, he had it very difficult to pass both VIVA and NITA examination to get license to practice in Russia because it is a Russian language। रशिया में जब आप 6 year कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ के लैंग्वेज में जो पेपर होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें वाइवा और रिटन एग्जामिनेशन रशियन लैंग्वेज में होती है, वो पास करने के बाद आपको। तो ये एक पॉइंट जो है, देखिए ये आपको ऐसे बताते हैं कि वहाँ तो इजी पेपर है, आप यही पास कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको वहाँ का अच्छी तरह से लैंग्वेज आना पड़ेगा, तो वाइवा और रिटन एग्जामिनेशन में आप पास करेंगे फिर लाइसेंस मिलेगा, ठीक है।
Secondly, if a student clear it, there is no assurance that he will still get work which have to practice. अब साफ साफ बोला है, आप आपने क्लियर भी कर लिया रशिया का एग्जाम, मान लेते हैं आप बहुत अच्छे तरह से रशियन लैंग्वेज में वाइवा दे दिया, एग्जामिनेशन दे दिया, लेकिन क्या वहाँ पे आप देखिए वर्क वीजा मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तो ये कहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं होना, वहाँ प्रैक्टिस के अलावा होना चाहिए, तो आप वर्क वीजा उसके लिए चाहिए होगा, तो क्या रशिया देगा? ये क्वेश्चन सारे देशों, जितने भी देश जहाँ अब्रॉड में MBBS करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन उठता है, ये सिर्फ रशिया के साथ नहीं उठता, ठीक है? इसलिए मैं बार बार जोर देंगे बातें को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, समझिए ना समझिए, आप जाइए, आपका पैसा है, आपका करियर है, वेस्ट होगा आप लोग समझेंगे, मेरा काम है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपको सच्चाई जो बातें हैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और थ्री डी में आपको गाइडेंस देता हूँ, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी, अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फ्री हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? और ये जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखना है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये जेएन और काउंसलर से झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आप देखिए रूस की यूनिवर्सिटी में MBBS दाखिले के नाम पे 16 लाख की ठगी, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, ये कल का ही आर्टिकल है, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है और यहाँ भी छापा है, ये देखिए एजेंट ने MBBS में दाखिला दिलाया मगर फिर सड़प लिया। आप लोग एजेंट को पैसे क्यों देते हो? जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हो तो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट पे करो ना, एजेंट की अगर कोई फी है वो काम कर रहा है 30,000-40,000 वो एजेंट अपना ले, लेकिन यूनिवर्सिटी का फी आप लोग एजेंट को क्यों देते हो? कभी भी आपको एजेंट को यूनिवर्सिटी की फी नहीं देना है, आपको जो फी है वो सारे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, किसी भी देश में आपको एडमिशन ले रहा है तो आप लोग कान खोल के ये बातें सुन लीजिए, क्योंकि जब आप लोग दे देते हो और वो पैसे हड़प लेता है फिर आपको केस करना पड़ता है और कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ता है। ये देखिए 16 लाख रुपए और ये FIR दर्ज किया गया है और जो पुलिस है इस पर जांच पड़ताल कर रही है, ठीक है? और दिल्ली का ही कोई एक एजेंट है, इस पर साफ साफ दिया गया है और उसका पूरा 16 लाख रुपया लेने के बाद 1 रुपया भी नहीं यूनिवर्सिटी को भरा गया, और ये क्रीमिया मेडिकल यूनिवर्सिटी है, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया गया था 2020 में, ठीक है? और इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, और अब देखिए अब ये अब कोर्ट में मैटर पहुंच गई है, पुलिस के पास है, क्या होता है, ठीक है दोस्तों? लेकिन आप लोगों को सावधान रहना है और आपको वेट करना है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में होना चाहिए, एक पॉइंट पे जो मैं आपको बताया, रजिस्टर्ड और प्रैक्टिस का, वर्क वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, लाइसेंस का जो टर्म्स है वो डिटेल में चाहिए किसी देश से, नॉट यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करती, ये देश डिसाइड करता है, ठीक है ना? आप लोग होप समझ गए होंगे, और चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको गाइड करता रहूँगा, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए कि और जो बच्चे हैं वो जागरूक हो सके और एजेंट और काउंसलर के झांसे में ना आए, ठीक है? सोच समझ के एडमिशन ले, ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।